हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज के टॉपिक नेटवर्क प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास से सैमसंग का फोन है। फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको जनरल मैनेजमेंट भी क्लिक करना है एंड रीसेट का ऑप्शन भी क्लिक करेंगे एंड रीसेट सेटिंग भी क्लिक करेंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, बैक करेंगे, रीसेट नेटवर्क सेटिंग भी क्लिक करेंगे। अगर आपको नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार आप नेटवर्क को रीसेट कर देते हैं जो भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट इन्हें रीसेट करने से आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड बस ये होगा कि अगर वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप नेटवर्क को रीसेट कर रहे हैं और आपका ब्लूटूथ कनेक्ट था तो आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा। अगर आप ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप रीसेट करें नेटवर्क को और वाईफाई कनेक्ट था तो डिसकनेक्ट हो जाएगा। बस इसमें यही होगा, दोबारा कनेक्ट करते सही चलता है। एंड रीसेट सेटिंग भी क्लिक कर देंगे, जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखे से ड्रॉ कर देंगे एंड रीसेट कर देंगे। यहाँ से आपका नेटवर्क रीसेट हो चुका है, देख सकते हो एक नोटिफिकेशन आता है। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में और नेटवर्क को रीसेट कर, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।